गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल लर्न अबाउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हियर इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेक इन टू कंसिडरेशन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सो बिफोर लर्निंग समथिंग अबाउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट आर द रिलेटेड गुड्स. So the related goods take into consideration two kinds of goods, that is substitute goods and complementary goods. So here something is being stated about the substitute good and complementary goods. Any good in economic analysis can be studied or compared in context of its substitute good and complementary goods. तो किसी भी goods से related study जब भी economics में की जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कंपेयर करते हुए या फिर उसको कंसिडर करते हुए स्टडी किया जाता है. सो इफ एनी स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड इन इकोनॉमिक्स इन रिलेशन टू एनी गुड देन एट दैट टाइम द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. बट व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टूडे. First one is substitute good. Substitute goods means those good which can be easily used in place of a given good for satisfying a want, as they are very close alternatives of a given good. तो substitute goods एक ऐसा good होता है जिसे आप किसी और goods के जगह पे use कर सकते हो, क्योंकि वो एक close substitute होता है, वो एक close alternative होता है किसी और good का. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें आप किसी और गुड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों उस सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स उस गुड की कंपैरिजन में सिमिलर होता है. इस वजह से आप उसको किसी और गुड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ अ क्लोज अल्टरनेटिव टू अ गिवन गुड, यानी कि किसी और गुड्स के अल्टरनेटिव या किसी और गुड के ऑप्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हो. दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड. सेकेंड गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर जॉइंटली. वन गुड कैनॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट द अदर. इन अदर वर्ड्स दिस मस्ट बी कंज्यूम्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ वॉन्ट. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कंजप्शन या यूज जो होता है वो जॉइंटली होता है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक गुड्स अवेलेबल नहीं होता तो उनका जॉइंट कंजप्शन पॉसिबल नहीं होगा. यानी कि ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें सिर्फ आप जॉइंटली ही यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग द एयर कंडीशन, फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. If you are using the mobile phone, for that SIM card is also required. So these can be considered as jointly or complementary good, which cannot be consumed separately or which cannot be used in a separate way. Now we are going to learn about the cross price elasticity of demand, because it take into consideration द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. और क्योंकि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कंसिडर किया जाता है, इसलिए हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया. यानी कि दो कॉन्सेप्ट जो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से जुड़े हुए हैं. तो पहला, अब हम थोड़ा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा समझेंगे. When the demand of the concerned commodity changes in response to the change in price of its related goods, then that is being termed as a cross elasticity of demand. Cross price elasticity of demand ये दिखाता है कि किसी particular commodity के demand में means किसी भी commodity से related demand में कितना extent तक change आया, क्योंकि उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से. तो ये जो डिमांड है या फिर ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये दिखाता है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ चेंज किसी कमोडिटी के डिमांड में आया है किसी भी
प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी की प्राइस या रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है उसमें चेंज आने की वजह से। इसलिए इसका फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये शो करता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना एक्सटेंट ऑफ चेंज आया किसी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के में चेंज आने की वजह से। यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से उससे रिलेटेड डिमांड में उस कमोडिटी से रिलेटेड डिमांड में कितने हद तक चेंज आया ये आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। द रिमेनिंग पोर्शन विच इज देयर इन यूनिट नंबर 3 एंड इट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर 3 दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम कौन कौन से अलग अलग मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड बट डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड सपोजिंग इफ देयर इज अ 10% चेंज इन प्राइस। तो जो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप यानी कि एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि कितना एक्सटेंट कितने हद तक डिमांड में किसी तरह का चेंज आ रहा है उसको लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट नहीं करता। सो दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कितना एक्सटेंट ऑफ चेंज आया है कि किसी डिमांड किसी चीज़ कमोडिटी की डिमांड में उसको जानने के लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कॉमनली यूज्ड मेथड आर मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज टोटल आउटले मेथड दैट इज ऑल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये जानने के लिए कि डिमांड में किस हद तक कितने एक्सटेंट तक चेंज आ रहा है उसके जानने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड है टोटल आउटले मेथड है या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी जिसे कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड भी है जिसको यूज़ करते हुए आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस आर द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो किसी और मेथड के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ओके थैंक यू।